हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस टुडेज टेक ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन। दोस्तों, आज के अपने इस पाइथन ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर को प्राइम फाउंड आउट करने के लिए हम किस तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दो प्रोग्राम लिख करके बताऊंगा, विच इज़ वेरी इजी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू मेक माई वीडियोज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आपको मेरा काम और इफोर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब कभी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। I'm on the VS Code। दोस्तों, मैं आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के दो प्रोग्राम बताऊंगा और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस चीज को करने के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स है। आप अपने एंड पे डिक डाउन करके इस चीज को डिफरेंट मेथड के साथ कर सकते हैं, बट मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इजी है। दोस्तों, मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि पाइथन इज वेरी इजी एंड नाउ अडेज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज टू लर्न। सो इट कैन गिव यू अ कैरियर बूस्ट इफ यू आर गोइंग टू लर्न इट। और ये आज के टाइम पे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी जगह यूज हो रहा है, नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक। इट कैन बी वन ऑफ द बिग करियर बूस्ट फॉर योर करियर। दोस्तों, हम प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए पाइथन में दो प्रोग्राम लिखेंगे। चलिए हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका इनपुट मैं यूजर के इनपुट लूंगा। फिर इफ कंडीशन, फॉर लूप और रेंज फंक्शन लगा करके मैं बाकी प्रोग्राम लिखूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने प्रोग्राम लिख लिया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके हम चेक करते हैं कि हमारा किस तरीके से ये इनपुट और आउटपुट शो करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एंटर द नंबर। चलिए हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं, मान लीजिए हमने 10 एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और अब कोई हम प्राइम नंबर एंटर करते हैं लाइक दैट 11। देखिए 11 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक या खुद से डिवाइड हो, अदर देन वो किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हुआ, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में क्या लिखा है और जो लिखा है उसका डिफरेंट लेवल पे क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे num1 डिफाइन किया है, एक वेरिएबल जिसका इनपुट मैंने यूजर के एंड पे मांगा है कि यूजर अपने एंड पे कोई भी वैल्यू एंटर करे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था एंटर द नंबर, दैट मीन्स यूज इट इज आस्किंग टू एंटर द इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर के एंड पे कोई भी इनपुट ये मांग रहा है। फिर मैंने लिखा इफ num1 इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये इफ कंडीशन लगाया और जिसमें मैंने बोला है कि num1 जो यूजर ने अपने एंड पे वैल्यू एंटर किया, अगर वो एक से बड़ा है, क्योंकि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ इवन नंबर। जो यूजर ने वैल्यू एंटर किया है num1 की, अगर वो एक से बड़ा है तो ये फॉर लूप को रन करे। और फॉर लूप क्या कर रहा है, वहां पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया j, जो कि रेंज में हो किसके, 2 to num1 के रेंज में हो। यहाँ पे रेंज जो कंसीडर होगा 2 से लेकर num-1 का रेंज जो है ये कंसीडर करेगा। अगर ये इसमें है तो लूप इफ कंडीशन पे जाए, इफ कंडीशन में क्या चेक करे कि num1 मॉडुलस j इक्वल टू 0। अगर num1 जो है j से डिवाइड होकर के उसका मॉडुलस 0 हमारे पास आ जाता है, मीन्स रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है, तो प्रिंट क्या करे, num1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर इस रेंज में कोई भी वैल्यू है और वो अगर num1 को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लिखा है कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर यू हैव टू जम्प ऑन द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे मैंने एल्स स्टेटमेंट लिखा है और एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट मैंने दिया है जिसमें मैंने लिखा है कि प्रिंट num1 इज अ प्राइम नंबर। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो डेफिनेटली जो नंबर आपने 1 एंटर किया है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। दिस इज द प्रोग्राम ऑल अबाउट टू फाइंड आउट ए प्राइम नंबर। तो चलिए एक बार हम इसको और रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एंटर द नंबर आ रहा है, चलिए हम इसमें जो है 40 एंटर करते हैं। 40 एंटर कर दिया, अब मैं प्रेस करता हूँ
देखिए 40 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और देखिए जैसे ही हमने ये 40 नंबर एंटर किया, ये प्रोग्राम जो है इसने पहले इफ कंडीशन देखा कि हाँ ये जो है एक से बड़ा है, फिर ये जंप किया इसने फॉर लूप के ऊपर जहाँ पे जे की रेंज देखी और 2 से लेके 40-1 यानी 39 तक इसने चेक किया और उसका मॉडुलस उसने चेक किया कि num1 मॉडुलस जे 0 है कि नहीं। बट फ्रेंड्स अगर यूजर ने num1 एंटर किया तब क्या? तो चलिए इसके लिए हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि अगर हम 1 एंटर करते हैं तो क्या आता है। एक नंबर हमने एंटर दिया, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या हम कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे कि यूजर को एक नोटिफिकेशन मिले कि आप जो है नंबर 1 से बड़ा डालो? तो हम इसके लिए एक यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक नंबर फिर से एंटर करते हैं और देखिए हमारे पास अब ये मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर द वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये दोस्तों फाइनली था हाउ टू फाइंड आउट ए प्राइम नंबर। दिस वॉज द फर्स्ट मेथड थ्रू विच वी हैव फाइंड आउट द प्राइम नंबर। चलिए हम आप दूसरे मेथड की ओर चलेंगे, बट उससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं आप तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस और जो गुड हैबिट है कि आप उस प्रोग्राम के लाइन के आगे या ऊपर कमेंट जरूर डालें। कमेंट एक्चुअली में आपको ये बताता है कि एक्चुअली में उस प्रोग्राम में उस लाइन का क्या मतलब है, उसमें हो क्या रहा है। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, बट दैट वुड बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड ट्रिकी। तो प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने का दूसरा प्रोग्राम मैंने लिख लिया है। इस प्रोग्राम को थ्रो आउट चेक करने से पहले चलिए इसे एक बार रन करके हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं 20 एंटर करता हूँ, 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलिए हम एक बार यहाँ पे 17 एंटर करते हैं एंड 17 इज अ प्राइम नंबर। सो फ्रेंड्स दिस इज द ओवरऑल कोडिंग। देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर 1 डिफाइन किया है जिसका इनपुट मैंने यूजर के एंड पे मांगा है, प्लीज एंटर द नंबर फ्रॉम 1 to 100। फिर मैंने यहाँ पे एक जो है प्राइम वैल्यू को बुलन में डिक्लेयर किया है, इट्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू में डिक्लेयर किया है कि अगर प्राइम इक्वल टू ट्रू है, और उसके नीचे मैंने एक इफ कंडीशन पिछले प्रोग्राम की तरह ही लगाया, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन वो फॉर लूप में जाए और आई के रेंज को चेक करे 2 से लेके नंबर 1 तक। ये बेसिकली हमने फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए लिखा है। और फिर मैंने इफ कंडीशन लिखा है, इफ नंबर 1 मॉडुलस I equal to 0, इस रेंज में जो भी नंबर है वो अगर इसको डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जो है अगर 0 आ रहा है देन प्राइम इक्वल टू फॉल्स, और फिर मैंने ब्रेक दिया है। फिर मैंने यहाँ बुलियन वैल्यू का यूज किया है, प्राइम इक्वल टू ट्रू, अगर प्राइम जो है ट्रू है प्रिंट नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर, एल्स प्रिंट नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर मैंने दोस्तों कोडिंग के लास्ट में लिखा है, एल्स प्रिंट प्लीज एंटर द नंबर ग्रेटर देन 1। तो इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों बेसिकली जो है ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू के ऊपर ये डिसीजन ले रहा है और किसी भी नंबर को जो यूजर ने एंटर किया है वो प्राइम है कि नहीं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक और बार रन करके हम चेक कर लेते हैं, 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलिए हम यहाँ पे नंबर 19 एंटर करते हैं, 19 इज अ प्राइम नंबर। तो दोस्तों ये दो प्रोग्राम थे, ये दो मेथड थे जिसके थ्रू हम पाइथन के अंदर कोडिंग करके पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है। इसी प्रोग्राम को करने का, इसी प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने का दोस्तों डिफरेंट मेथड हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज डिग डाउन एट योर एंड अपने एंड पे चेक करें व्हाट आर द अदर मेथड्स अवेलेबल।